नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन का ये बेहद ख़ास एपिसोड आज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं थोड़ सिंधी नाम के एक छोटे से गांव के मेरवाड़ी मोहल्ले से या फलिया से। फलिया यहां मोहल्ले को कहा जाता है, पाड़ा को कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले का एक गांव है और आप मेरे साथ यहां के कुछ लोग देख रहे हैं, संदीप जी हैं। आपने अपना नाम क्या बताया? छुटली इनका नाम है। पास ही से एक नाला गुजरता है जिसमें, नाला मतलब शहर वाला नाला नहीं है, जैसे नदी होती है बहुत ही साफ सुथरा पानी होता है, उस नाले से हम लोग आज केकड़े पकड़ेंगे, क्रैब, और फिर उनको पकाएंगे। आपके यहाँ ये जो नाला होता है उसको क्या बोलते हैं? खोदरा बोलते हैं। यहाँ स्थानीय भाषा में इसको खोदरा बोलते हैं, जैसे हिमाचल पंजाब में खड बोलते हैं। तो चलिए पहले आपको लिए चलते हैं, कैसे केकड़े पकड़े जाते हैं ये दिखाएंगे, और फिर यहाँ के आदिवासी कैसे केकड़े बनाते हैं, उसका कैसा स्वाद बनता है वो तो आपको बताएंगे। आइए चलें। चलिए अरे सैंडल खोलने पड़ेंगे। हाँ खोलने पड़ेंगे जी, मैं खोल लेता हूँ। किधर मिलेगा यार? कहाँ से मिलेगा? चलिए किनारे पे जाना, उधर आगे कानपुर रे, यहाँ हो जो वार में दिख रहा हो। किस तरफ आप बताइए, किस तरफ मिलेगा? चलिए रुक रुक, ये तो कट गया, तो कर ले। हाँ ये एक दिख रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, घर तरफ इधर घर काट तो नहीं लेगा? अरे काट लेगा यार। अच्छा बच्चा है, इसमें डाल दूं? अभी नहीं दिख रहा है मुझे। अरे इसके नीचे घुस गए तो पत्थर। अरे काट लिया उंगली में। ये देखिए केकड़ों की खासियत ये होती है कि इसको आप रात को ही पकड़ सकते हैं, है ना? दिन में पकड़ना मुश्किल होता है, रात को पकड़ना आसान होता है। अभी थोड़े छोटे हैं लेकिन सर्दियों में बताया इन लोगों ने कि बहुत बड़े बड़े केकड़े यहाँ पर मिलते हैं, है ना? सर्दियों में बड़े मिलते हैं। मेरे पैर में कहाँ घुसा तेरे? कहाँ से पकड़ना है? बीच से दादा, आप पकड़ो। एक ये रहा, यहाँ पे देखो, उसमें डाल दो। चलो ये देखिए, चलिए अंधेरा होता जाएगा जी, तो केकड़े बाहर ज्यादा निकलेंगे। हाँ अभी 7:30 बज रही है। हाँ 8:30 बजे तक। हाँ ज्यादा संख्या में मिलेंगे, जितना अंधेरा होता जाता है उतने ज्यादा बाहर आते जाते हैं, जाएंगे और बड़े बड़े आएंगे। चलिए इधर से निकल लेते हैं। वाह
दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आज का ट्राइबल किचन बेहद खास होने वाला है। थोड़ सिंधी नाम के इस गांव में एक आदिवासी परिवार के साथ हम मौजूद हैं। यहां के पास के एक छोटी सी नदी कह लीजिए, नाला कह लीजिए, उससे केकड़ा पकड़ के ला चुके हैं। लेकिन जो केकड़ा लाया गया है वो तो पकेगा ही खास अंदाज में। आज एक बेहद खास रोटी कह लीजिए उसको, डोसा कह लीजिए, और अपनी भाषा में आप क्या कहते हैं जो बना रही हैं इसको? ताइया। और यहाँ की स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है ताइया। ताइया बनेगा जिसको आज हम केकड़े के साथ जिसका स्वाद लेंगे। ताइया क्या है और वो कैसे बनता है, किससे बनता है, ये बताने के लिए हमारे साथ कौरमिला मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। पहले आपको ताइया दिखाते हैं कि ताइया कैसे बनता है, किस चीज से बनता है, उसके बाद फिर केकड़ा बनाएंगे, फिर उसका आपको स्वाद बताएंगे। तो राइला भाई, ये तवा मिट्टी का है? हाँ, मिट्टी का। अच्छा, देखने में तो पत्थर का लग रहा है। और ये जो इन्होंने डाला है घोल, ये कौन सा आटा है? बाजरा का। बाजरा का आटा है। हाँ। और इसमें क्या क्या मिक्स किया है? मिर्ची। हाँ, इसमें क्या क्या मिलाया है? मिर्ची, लहसुन, अदरक। हाँ। प्याज। प्याज, जीरा। अच्छा, और ये आप रोज बनाते हैं या कभी कभार ही बनाते हैं? नहीं, रोज नहीं बनाते, कभी कभार बनाते हैं। हाँ। जब हमारे जैसे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। हाँ। अच्छा। तो ये बहुत खास खाना है और ये बाजरे के आटे से बन रहा है। तो जो लोग ग्लूटेन फ्री आजकल खाना खाना चाहते हैं लोग, तो ग्लूटेन फ्री होता है ये। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी ना हो। बहुत मामूली से तेल से ये बनाई जाती है, ताइयां इसको बोला जाता है। और आप देख ही सकते हैं मिट्टी के तवे पर ये बन रही है। और इसको पकाने का एक और तरीका होता है, ये देखिए। जब एक तरफ से वो हल्का सा सिक जाता है, ऊपर से दूसरा ताइयां इसके ऊपर ढक दिया जाता है, जिसके भाप से ये ऊपर की तरफ से पक जाता है, सीज जाना यहाँ पर बोला जाता है। तो ये है ताइयां। और ताइयां आज खास तौर पर इस घर में बन रहा है, खास मौक़ों पर ये बनाया जाता है। तो ताइयां बन रहा है, प्रोमिला ताइयां बनाती रहेंगी, राइला हमारे साथ हैं। और राइला, आप बनाएंगे हमारे लिए केकड़ा आज, जो हम पकड़ के लाए। आप अपनी भाषा में केकड़ा को क्या कहते हो? केकड़ा। हाँ, इसको केकड़ा ही बोलते हो ना? हाँ, केकड़ा। ठीक है, तो चढ़ा दीजिए कढ़ाई। हाँ, आग जला लीजिए। तो आपने पहले बनाया कभी केकड़ा या आज ही बना रहे हैं? बनाया पहले। बनाया है? मतलब अच्छा बनाते हैं ना? हाँ। मजा आएगा खाने में? हाँ, मजा आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तेल डालेंगे। हाँ। तो राइला जी, जो जो चीज डाल रहे हो ना, मुझे बताते रहना, है ना? हाँ। तो तेल डाल दिया सबसे पहले, उसके बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तो कांदा। कांदा माने प्याज। प्याज। अच्छा, ठीक है। तो आपको, आपके सबसे ज्यादा पसंद कौन सा खाना है, मुर्गा, बकरा, मछली या केकड़ा? कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हें? मछली। मछली सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ। अरे वाह, तो आपके यहाँ मछली मिलती है? हाँ, मिलती है। अच्छा, नदी में? हाँ, नदी में। वाह। अच्छा, सारा नहीं डालना है? है? सारा कांदा नहीं डालना है, इतने में हो जाएगा? हाँ, आ ही जाएगी। वेरी गुड। हल्दी। हल्दी। वेरी गुड। आप अंदाजे से बना रहे हैं ना, आपने बनाया पहले? पहले बनाया। बनाया? सच सच बताओ। हाँ। प्रमिला, इन्होंने पहले कभी बनाया खाना है? अच्छा, बनाया कह रही है प्रमिला।
पहले कांदा अच्छे से भून लेंगे। भून लेंगे। लहसुन 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 तो लहसुन बाजार से लाते हो ना घर पे लगाते हो खेत में? घर से घर पर लगा लेते हैं। घर पर लगा लेते हो? हाँ। कितनी जमीन है आप लोगों की? है थोड़ी कम कम। कितने एक एकड़ होगी? क्या भाई हो तुम लोग? छह भाई। छह भाई। हाँ। तो कित क्या एकड़ जमीन है? पाँच एकड़। पाँच एकड़ में छह भाइयों का कमी है फिर तो। हाँ कम। गुजारा हो जाता है परिवार का? हाँ सब मिलजुल के कर लेते हैं। सब अलग अलग है। सब अलग अलग है। क्या हुआ, क्यों हंस रही है परमिला? क्या गड़बड़ किया तुमने है? क्या हुआ परमिला? ये क्या है? गरम मसाला? धनिया मसाला। धनिया? हाँ। अच्छा डालिए। और ये है गरम मसाला। मुझे दे दीजिए पानी, थोड़ा पी लूं मैं। लीजिए। नमक। नमक राइला बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है आपको, कभी कभार ही बनाते हैं आप तुक्के से हैं? नहीं बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा पानी डाल दिया। हाँ। तो ग्रेवी तैयार हो गई है एक तरह से। और उसके बाद इसमें केकड़ा डाल देंगे। हाँ केकड़ा। अच्छा जब ये उबल जाएगा तब? हाँ अब आग तेज कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल तरीके से ये ग्रेवी तैयार हुई है। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद इसमें केकड़ा डाल दिया जाएगा। बहुत सिंपल है, पहले प्याज भूना, उसमें फिर लहसुन डाल दिया, उसको भूना, हल्की सी हल्दी डाली थी प्याज के साथ ही, उसके बाद फिर सारे मसाले, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और जीरा पाउडर के बाद हल्का सा गरम मसाला, नमक, ये इसमें डाला है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इन्होंने प्याज और लहसुन को बहुत करारा भुना है, इसका रंग ही बताता है कि बहुत अच्छे से यहाँ पर भून कर बनाया जाता है। मिर्ची हमेशा थोड़ी सी तीखी और थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस खाने को बनाने में काफ़ी पसीना बहाना पड़ता है और हमारे जैसे लोग जो उतनी मेहनत करने के आदि नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा पसीना आता है। आप देखेंगे कि राइला जो हैं वो बना रहे हैं लेकिन उनके चेहरे पे उतना पसीना भी नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि राइला ने जो मसाले भुने थे उसमें पानी डाला था और उसके बाद फिर उसको भूनते रहे और अब पानी गायब हो चुका है और अब समय है जब इसमें केकड़ा डाला जाएगा। डाल दीजिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि केकड़े को पहले ही साफ कर लिया गया है, तोड़ लिया गया है, तो खाते वक्त आपको अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। और कितना टाइम लगता है इसके बाद? ये तो थोड़ी देर लगता है। थोड़ी देर लगती है बस। हाँ।
दोस्तों, प्रमिला ने आज बाजरे के आटे से ताइयां बनाया है, जिसे आप डोसा भी कह सकते हैं, छिलका रोटी भी कह सकते हैं। अगर आपने झारखंड से हमारे एपिसोड्स देखे होंगे तो वहाँ इसको छिलका रोटी बोला जाता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन बाजरे के आटे से शायद ये इसी इलाके में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के आदिवासी इलाकों में बनता है। आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। केकड़ा पक चुका है, इसमें क्या मसाले डाले गए, कैसे ये बनाए, आपने पूरा देखा ही है। अब समय है कि सब दोस्तों के साथ मिलके, इस परिवार के लोगों के साथ मिलके इसका स्वाद चखा जाए, इसका आनंद लिया जाए, इसको एंजॉय किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि जितने प्यार से ये बना है, और बाकी इनका तजुर्बा तो है ही, लेकिन जिस मोहब्बत के साथ ये बनाया गया है, ये बहुत लाजवाब होने वाला है। दोस्तों, हमारी थाली में खाना आ चुका है। तीन चीज़ें हैं बेहद ख़ास। एक है उड़द दाल से बना हुआ वड़ा, जो बहुत पतला है, बहुत क्रिस्प सिखा हुआ है, और ये मैंने आपको बताया ही, यहाँ की स्थानीय भाषा में इसको ताइयां बोला जाता है। आप जो बोलना चाहें, डोसा, छिलका रोटी, बाजरे की रोटी, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है। रायला भाई का बनाया हुआ केकड़ा हमारी थाली में आ चुका है, और अब इसका स्वाद लेते हैं। सबसे पहले बाजरे की रोटी के साथ जो केकड़ा पकाया गया है उसका। वाह, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने कहा कि केकड़ा पहले से तोड़ लिया गया है, इसलिए कोई अतिरिक्त मेहनत आपको नहीं करनी होगी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगा, बहुत ही बैलेंस्ड इसमें केकड़े में मसाले हैं। एक चीज़ जो नोटिस करेंगे आप, वो है इसका अरोमा। जिस तरह से मसाले को भुना गया था, उसकी खुशबू जैसे ही आप इसे मुंह में डालेंगे, आपको सराबोर कर देगी आनंद से, आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसा स्वाद जो आप ताउम्र नहीं भूल सकेंगे। डोसे का सवाल है, इसको आप ऐसे ही अगर खाएंगे, चटनी के साथ भी खाएंगे, तो इसका अपने आप में बहुत ही खूबसूरत स्वाद है। लहसुन, प्याज, अदरक और जीरा इसमें डाला गया है। बहुत ही कमाल का, बहुत ही अद्भुत। तो दोस्तों, ट्राइबल किचन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें बताइएगा ज़रूर। उड़द दाल का वड़ा, वाह, एकदम करारा और बहुत ही शानदार क्रिस्प। उड़द दाल का वड़ा यहाँ की स्पेशलिटी है, और ख़ास बात इसकी ये होती है कि जिस घर में हम बैठे हैं, इसके चारों तरफ पहाड़ी ढलानों पर खेत हैं, जिसमें उड़द बोई हुई है, जिसकी बेल फैल चुकी है, तो घर की उड़द दाल होती है, ऑर्गेनिक उड़द दाल होती है, जिससे ये वड़े बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।